प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। दूसरा निश्चय योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और अस्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्रह्मांड परिवार ब्रह्मांड आत्माओं का प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा, तो वो अच्छा लगना उस सब फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये दूसरा नंबर, पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय और दूसरा नंबर अच्छा लगता है। Om Shanti. Become free from problems. Become an embodiment of solutions and make others this also. Om bestower. Shanti. A bestower of fortune and a bestower. Samasya mukt samadhan swarup banao aur banao. Aaj ke avyakt ishare विश्व दाता विधाता वरदाता मनसा वाचा कर्मणा निरंतर दान दो वरदान दो तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
अविनाशी लंगर लगाओ। पुराने संस्कार जो भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आते हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विदाता, वरदाता के इमर्ज करो। यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देंगे। आप औरों को रास्ता दिखाने, पाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो, तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। Will automatically be set aside. Om Shanti. ओम शांति। वेलकम ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्ति परिवार में। तो आज बहुत ही विशेष यादगार दिवस है। 9/11/11 हमने पहले 5 बजे से अनुभव भी सुने और योगदान भी दिया, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाद में हम उसके बारे में थोड़ा और सुनेंगे और एक साथ थोड़े और समय स्पेंड करेंगे। तो हमारी सीरीज शुरू करेंगे। आज 11 तारीख है। समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। आज का विषय है दाता, विधाता, वरदाता। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. Om Shanti. Everyone is okay. सभी ठीक है, सभी खुश राजी है। Yes, our heart is full of gratitude. Yes, our heart is, हमारा दिल बहुत बहुत बाबा के प्रति शुक्राना कर रहा है। लोग अभी भी सोचते हैं कि भगवान कौन है, वो क्या करते हैं और वो कैसे करते हैं, लेकिन हर रोज बाबा हमें अपने इशारों द्वारा, अपनी शिक्षाओं द्वारा, अपनी ज्ञान पढ़ाई द्वारा हमें अपना परिचय देते हैं। हमें अगर कोई पूछे कि कौन है भगवान, तो हम कह सकते हैं वो दाता है, वरदाता है और भाग्य विधाता है, दाता विधाता वरदाता है। तो इस तरह से हर रोज बाबा जो हमें कह रहे हैं वो बाबा का परिचय ही है। क्योंकि आप सोच सकते हैं 80 साल से भी ज्यादा ज्ञान का सागर बाबा न केवल ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हर रोज नया टाइटल, नया नई शक्तियां, नई समझ। इसलिए कभी कभी बाबा कहते हैं कि अगर आप धरती को कागज बनाएंगे और जितने भी पेड़ है, वृक्ष है, उनको कलम बनाएंगे और सागर को स्याही बनाएंगे, और फिर भी भगवान की जो महिमा है वो अप्रम अपार है, बेहद की है। लेकिन हमारे दिल से भी हम न केवल बाबा कहते हैं, लेकिन बहुत स्नेह से, प्यार से, बहुत आदर भाव से और शुक्रिया दिल से निकालते हुए हम कहते हैं बाबा का धन्यवाद। क्योंकि हमारा बाबा के साथ निजी संबंध है। Because we are able to connect with our own self.
हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारा अपने साथ भी संबंध है। तो आत्मीयाभिमानी स्थिति में बस थोड़ा सा ही समय लगता है बाबा के साथ बन जाने में या बाबा के साथ जुड़ने में, क्योंकि मैं आत्मा हूँ वो परमात्मा है। तो मैंने अपने लिए विशेष अंडरलाइन किया अपने लिए खुद के लिए कि मुझे जो उत्तर देना है अपने आप को, और साथ ही साथ मेरे संकल्प और वाणी कर्म सभी जो है उसी स्मृति के आधार पर बने रहे। तो अगर हम सुने तो ये कहता है दाता, हाँ पहली बात है दाता और फिर है विधाता और वरदाता। दाता, विधाता, वरदाता, तीन बातें, तीन बातों की स्मृति रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत ऐसे बोलते हैं कि हमारे अंदर बहुत कड़े संस्कार है, कैसे इन कड़े संस्कारों का परिवर्तन करें, या दूसरों की कमी कमजोरियों को देखकर भी कई बार कहते हैं, या दूसरों के संस्कारों से प्रभावित होकर रिएक्ट कर देते हैं और उनके समान ही फिर एक्ट करने लग जाते हैं। तो ये सब कुछ बदल सकता है अगर केवल इतनी सी स्मृति रहे कि मैं दाता हूँ। तो निरंतर देते रहना है, निरंतर गुणों को और वरदानों को देते रहना है अपने संकल्पों द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म द्वारा। तो सेवा क्या है? यही तो सत्य सच्ची सेवा है। बाबा कह रहे हैं कि अविनाशी लंगर लगाओ, इसका मतलब है कि पूरे दिन भर जैसे लोगों को खिलाते रहना। तो पुराने संस्कार जो भिन्न भिन्न रूप के रूप में समस्याएं बन करके आते हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए, मान लीजिए अगर किसी को आदत है अपने आप को किसी और से तुलना करने की, या जेलसी का संस्कार है, या ईगो अहंकार का संस्कार है, तो ये जो कोई ना कोई समस्याएं आती है, हम सोचते हैं ये इसके वजह से है या इसके वजह से, कोई मेरा नहीं सुनता है, तो ये बस कारण है। लेकिन ये आपका अपना संस्कार है। क्यों मैं दूसरों को तुलनात्मक दृष्टि से देखती हूँ? मैं वो हूँ जो मैं हूँ, मुझे वही रहना है। तो बाबा जो कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपका शक्तिशाली संस्कार, जो संस्कार है दाता का, विधाता का, वरदाता का, वो इमर्ज करो, ये शक्तिशाली संस्कार इमर्ज करो। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपका जो कोई कड़ा संस्कार भी होगा, जो समस्या है, वो भी समाप्त हो जाएगा अगर आप इस महासंस्कार को याद रखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः ही समाप्त कर देगा। आपका महासंस्कार कौन सा है? दाता, विधाता, वरदाता का। आपको औरों को रास्ता दिखाने, आपका खजाना देने के निमित्त सहारा बनना है। सहारा बनते हैं, निमित्त बनते हैं, तो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं तो स्वतः ही कमजोरियों का किनारा हो जाता है। Will automatically set aside.
whether it is problems चाहे फिर वो समस्या है, चाहे वो कमी कमजोरियां है, लेकिन वो किसी न किसी हमारी पुरानी आदत के वजह से, पुराने संस्कार की वजह से है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जो कुछ आप दूसरों को देते हैं, वो सबसे पहले अपने आप को दे रहे हो। अगर आप किसी को कहेंगे ओ आप में ये है, आप में ये कमी है, जैसे कि आंतरिक स्तर पर आप अपनी कमी कमजोरी को इमर्ज होने दे रहे हैं। बहुत ही विशेष है ये बात। हम इस टॉपिक पर और विचार सागर मंथन करेंगे और कल इसका इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसको जितना हो सके उतना इसका इस्तेमाल करें, ताकि ये हमारी नेचर बन जाए, स्वभाव बन जाए। तो एक तरफ हम बाबा की जैसे बन रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी अपनी निजी जो स्थिति है, मेरी अपनी पर्सनल स्टेज, वो भी संपन्नता की ओर बढ़ती जाएगी। तो बहुत शक्तिशाली, बहुत प्यारा ये अव्यक्त इशारा है कल के लिए। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। ये जो बात है दाता बनने की, कुछ हफ्तों पहले ये एक लास्ट क्वेश्चन था। लोगों के साथ कैसे हम व्यवहार करें जो बहुत डिफिकल्ट बात करते हैं, तो आपने कहा कि आपने देखा ही नहीं, क्योंकि आपकी स्मृति में केवल दातापन की स्मृति थी। और ये बात आज वापस आई, मैंने कई बार देखा है एक किसी को, अगर अगर कौन सी बात है जो आपको रोकती है दाता बनने के लिए, तो अगर हम अकाउंटेंट बन जाते हैं और काउंटिंग करने लग जाते हैं, तो हम दे नहीं पाते हैं, दाता नहीं बन पाते हैं। तो शायद कोई काउंटिंग क्यों करते हैं, ऐसे क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि दुख अंदर में लिया है इसलिए। तो दीदी कह रहे ये भी पावरफुल संस्कार है, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये दूसरे के वजह से है। तो ये मेरी, अगर सब सोचे कि ये मेरी एनर्जी है, मेरी मेरा भाग्य है, हम कई बार समय को वेस्ट करते हैं दूसरों को ब्लेम करने में। लेकिन अगर मैं सोचूं मैं, मेरी कमजोरी है, मुझे इसको ठीक करना है, ये मेरा संस्कार है, मुझे इसको परिवर्तन करना है, तो कम से कम वो खुश रहेंगे, क्योंकि ये मेरा संस्कार है ना। मुझे अच्छा लगा जैसे बाबा ने आज समझाया है कि अगर आपके अंदर ये तीन गुण हैं, तीन शक्तियां हैं, तीन संस्कार हैं, तो आपके अपने कड़े संस्कार मिटते जाएंगे। तो अगर मैं दूसरों के संस्कार देख रही हूँ, okay, if we look at the sanskars of others, no, so तो अगर हम दूसरों के संस्कार देखते हैं, या जब मैं देखती हूँ कि कोई और दुखी हो रहा है, सफर कर रहा है, और उस समय अगर मैं दाता बनकर उसे शांति का, स्नेह का गुण देती हूँ, और वो व्यक्ति भी वो सीख जाए, तो फिर बाबा कह रहे हैं कि कोई समस्या रहेगी नहीं, कोई दुख नहीं रहेगा, सफरिंग नहीं होगी, मतलब भोगनाएं नहीं रहेंगी।
भोग रहा है कोई अगर, लेकिन उस समय हमें देनी, समझो किसी की आदत है. मैं कह रही हूँ अगर कि ये व्यक्ति तो कभी नहीं बदल रहे, तो ये अच्छे संकल्प नहीं है, तो कभी नहीं बदल रहे. लेकिन वो सच भी है, मान लीजिए कि जो आप सोच रहे हैं वो सत्य भी है, लेकिन उस समय में मैं अपने आप को दाता नहीं बोल सकती हूँ. भले अगर मैं देख भी रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ वो सत्य भी है, लेकिन मुझे उसको अपना संकल्प नहीं बना लेना है, या उसे अपनी स्मृति में या वृत्ति में नहीं धारण करना है कि जब भी मैं उस व्यक्ति को देखूं तो मुझे उसमें थोड़ा कम रुचि है क्योंकि वो बदल नहीं रहा है, वो हमेशा कंप्लेन कर रहा है, हमेशा ब्लेम कर रहा है. लेकिन उस समय मुझे बहुत अपने आप को संपन्न स्थिति में देखकर उस आत्मा को दाता बनकर देना है. और उस समय मुझे भिखारी नहीं होना, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे ये मुझे अधिकार नहीं मिले, लेकिन बस मुझे बहुत मिला है. कई बार कई होते नहीं मिला ऐसे. लेकिन अगर हम कहें कि बाबा मेरे पास सब कुछ है, बाबा मुझे सारी प्राप्तियां है, तो संगम युग पर सारी प्राप्तियां होनी चाहिए. और अगर नहीं है तो फिर वास्तव में हमारा अपना ही संस्कार है, ये मेरी अपनी कमी कमजोरी है. तो अगर आप ये करने लग जाए कि हर समय दूसरों को वरदान देने लगे लेकिन कंप्लेन नहीं करे, तो वो आपके लिए भी वरदान बन जाएंगे. आप दूसरों को क्या कह रहे हैं वही दूसरे अपने लिए भी अप्लाई करती है. आप सबसे पहले उस चीज के रेसिपिएंट बनते हैं ना, सबसे पहले आपको मिलता है जो आप दूसरों को देते हैं. कोई होता है जो काउंट करते हैं, किसी को इनविटेशन मिलता है कुछ करने के लिए, किसी को टोली बड़ी मिलती है, किसी को कुछ मिलता है, तो काउंट करते रहते हैं. तो उनको कैसे हम हेल्प करें कि वो काउंटिंग करे, वो संस्कार वो फीलिंग्स उनके अंदर से निकल जाए. दीदी कह रहे मुझे लगता है कि अगर मैं खुश हूँ जब किसी और को मिल रहा है तो फिर मुझे भी मिलेगा. अगर किसी की महिमा हो रही है तो उस समय मुझे बहुत खुश होना चाहिए और मुझे उसका पार्ट बनना चाहिए. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसकी इतनी महिमा क्यों हो रही है, मेरी जो मैं कैसे लायक बनती हूँ कि दूसरों को जो मिल रहा है उसमें मुझे भी खुशी अनुभव हो, दूसरों की महिमा हो रही है तो उसमें मुझे भी खुशी हो, तो उसमें आपको भी फिर ज्यादा मिलेगा. कभी कभी अपने आपको मिल रहा है लेकिन आप अपने आप को उस बात से वंचित कर रहे हो कि मुझे नहीं मिल रहा है. लेकिन कई होते हैं उनको मिलने ही वाला होता है लेकिन वो थोड़े से निराश हो जाएंगे और चले जाएंगे और अपसेट हो जाएंगे. तो जब आपको मिलने ही वाला होता है और उसी समय आप किसी और मोड में चले जाते हो तो फिर आप क्या कहेंगे उस समय, बस भाग्य ही कहेंगे. बाबा कल कह रहे थे तो बाबा बोल रहे थे ना कल कि आपका फाइनल रिजल्ट है कि आप कितने को वर्दी बनाते, कितने को लायक बनाते. तो बॉडी बहन पूछ रहे क्या हम सच में किसी को लायक बना सकते हैं, बाबा बनाते. तो दीदी कह रहे कि लेकिन अगर हम अच्छा एग्जाम्पल बनते हैं, अगर ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं, अगर हम स्नेह देते हैं तो फिर वो बन जाते हैं. लेकिन कई ऐसे होते हैं जो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं लेकिन फिर हिल जाते हैं. कभी कभी आपकी एनर्जी इतनी ऊंची नहीं होती है लेकिन आप उनको ऊपर उठाते हैं कि वो अच्छा हो जाए, लेकिन अगर आप नहीं करते ऐसे तो फिर आप और नीचे आते हैं. तो ये जो चढ़ती कला और उतरती कला है इसमें एक्चुअली हमेशा चढ़ती कला का अनुभव होना चाहिए, और ये हो भी सकता है अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो. You know, this thing that had come up about the
ancestor souls in the subtle region that और ये जो बात निकली थी कि पूर्वज आत्माएं हैं जो पेड़ के ऊपर है इस वर्तमान समय में आज के समय ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ऊपर क्या हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या नीचे जो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है दीदी कह रहे हैं वो जुड़े हुए हैं कनेक्टेड है जब उनके दिन होते हैं तो हम उनके बारे में सोचते हैं कई लोग होते बोलते वो क्या कर रहे हैं उनका रोल क्या है वो कैसे हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो जैसे ब्रह्मा बाबा है कि वो फरिश्ता है वो सूक्ष्म वतन में है लेकिन वो सब भी उस ऊपर सूक्ष्म वतन के हिस्से है मतलब वो पालना कर रहे हैं तो एक है कि हम जड़ों में बैठे हैं और दूसरा है कि ऊपर बैठे हैं बट वो ऊपर भी जैसे इस समय है ना वो पूर्वज आत्माएं इस समय जड़ में भी है thing I think I don't remember whether you said it or came in the morning revision but this division mein aaya ya aapne kaha mujhe pata nahi lekin ye jo idea hai ki hame trikal darshi banna hai aur aisa anubhav karna jaise kalp pehle jo tha wo kal hua ya aaj hua hame anubhav hai ki aapki ye shamta hai ya aapki ek stage hai जब इस चीज की बात करते हैं मैंने दादी जानकी के साथ अनुभव किया है जिस तरह से आप बताते हैं कि आप बता सकते हैं कि कौन सी समस्या आने वाली है कौन से पेपर आने वाले आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप बता सकते हैं हमें नहीं पता है लेकिन हम देखते हैं कि आपने जो बोला था वो हुआ तो क्या आपको पता होता है उस समय या क्या बस ऐसा है कि इंट्यूशन आंतरिक स्तर पर बस पता होता है कि कुछ होने वाला है कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समस्या है क्या आपको इस बात की स्मृति या उस बात की अवेयरनेस होती है स्मृति होती है या बस आंतरिक स्तर पर आपको बस कुछ पता होता है क्या है इसका तरीका ये जानने का दीदी कह रहे मुझे सोचना पड़ेगा लेकिन वो कहते हैं कि जो जितने भी प्राणी होते हैं उनको पता होता है कि बारिश होने वाली है उनको पता होता है कि अभी कुछ होने वाला है अर्थक्वेक तो उनको कैसे पता होता है जैसे छोटी छोटी चींटियां होती है उनको कैसे पता है कि अभी ठंडी का सीजन आने वाला है तो वो जमा करने लग जाते हैं जो ये दूसरे जानवर होते हैं पंछी होते हैं वो तैयारी करते हैं तो हर एक में ये एक समझ होती है एक है कि हाँ मुझे जीना जीने की समझ की जीना है तो हर एक प्राणी में हम कहते हैं ना सर्वाइवल की क्षमता होती है समझ भी है और क्षमता भी है कि वो कैसे जिए जीने के लिए वो कुछ करते हैं तो ऐसे ही अंदर में कुछ बहुत गहरी हमें ये अलाइनमेंट करते ठीक रखना है अपने आप को जब मैं अपने आप को फ्री करती हूँ सभी संकल्पों से सभी भावनाओं से तो बस परे चले जाओ और जब आप अपने सत्य स्वरूप के साथ जैसे जुड़ते हैं तो उस समय पर अनादि स्थिति में कुछ भावनाएं जैसे इमर्ज होती है और उस भावना से फिर आप कुछ कह सकते हैं लेकिन एक चीज भी है कि ये होने वाला है या नहीं बहुत सी बार मैंने देखा है कि बहुत स्पष्ट होता है थोड़ा धीरे धीरे उसकी डिटेल भी पता चलती है जैसे ये होने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए हम कर रहे और फिर बाद में हम कहे ये हमें नहीं करना चाहिए था ये नहीं होता है ऐसा संकल्प नहीं आता है लेकिन मैं ऐसे सोच सकती हूँ बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैं इसके बारे में और सोचूंगी कि मुझे कुछ एक तरह से पता चलता है तो लोग मुझे विश्वास भी करते हैं क्योंकि बाबा का निमित्त है तो बाबा के इशारे भी मिलते हैं बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें मुझे लगता है कि एक स्थिति है जो हम पहुँचते हैं हम कभी कभी दादी जानकी के लिए कहते थे
she doesn't know she knows. उनको पता होता है, बट उनको ये नहीं पता होता कि उनको पता है. उनको वो समझ है, भावना भी इमर्ज होती है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उनको पता है. मुझे लगता है कि बहुत विशेष गिफ्ट है. और दूसरी बात मैं जो पूछूंगी आपसे, मुझे लगता है कि मुझे आंसर पता है, लेकिन आप शायद बता सकते हैं. जब हम देखते हैं ये क्या होने वाला है, क्या आप सिर्फ जो अच्छी चीज है वो होने वाली वो देखते हैं, या जो बुरे चीजें होने वाले वो देखते हैं, या न्यूट्रल रहते हो? दीदी कह रहे हैं दोनों ही पर ध्यान होता है. मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे हम मियामी का घर के बारे में सोच रहे थे कि संकल्प आता है, वो ओनर दिखाई देता है और वो संकल्प पूरा होता है. कोई भी इतने स्मूथली हमने वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है जितनी स्मूथली हमने मियामी की प्रॉपर्टी खरीदी है. तो मुझे लगता है कि वातावरण में भी वो वाइब्रेशंस होते हैं, सभी के संकल्प चलते हैं, और अगर आप वो कैच करते हैं तो सही समय पर सही बात हो जाती है. जो बहुत अजीब बात थी, बॉडी पेन कह रहे फाइनल क्या हुआ वो तो ठीक है, बट आपने मुझे बोला था, आपने मुझे बोला आप इस आदमी को थर्सडे को कॉल कीजिए. मैंने उसको 3 साल तक नहीं देखा था, तो मैंने कहा कि अच्छा दीदी ने कहा है मुझे कॉल करने के लिए. क्या आप बिलीव कर सकते हैं, उसने मुझे थर्सडे को कॉल किया और उसने मुझे कहा कि वो 10 मिनट दूर है और वो आना चाहता था, और इतने डिटेल थी वो बातें. और उसका जो पार्टनर था वो अब मुरली स्टूडेंट है. मुझे भी नहीं पता कैसे होता है, बट जब संकल्प आता है तो कभी कभी मुझे कॉल करने दो, तो एफर्ट करो, कॉल करो. मैं मुझे जनरली कॉल्स आते हैं, मैं कॉल करती नहीं हूँ, लेकिन बस एक संकल्प है कि अभी करो, तो कर देते हैं. और वो ही समय सही समय होता है. नहीं तो अगर वो ऑफर कर रहा था तो उस समय आपको भी नहीं पता होता कि क्या करना है. वो रेडी भी नहीं था, और 2 हफ्ते के बाद वो वापस आया और फिर उसने अपना मन बदल दिया और तुरंत उसने सेल किया. आप बॉस्टन सेंटर पे गए, इतनी छोटी सी स्थान को उन्होंने इतना बड़ा स्थान बना दिया. Has only his son and one laborer. और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका बस एक बेटा है और एक लेबरर, बस 3 लोगों ने पूरा काम किया है. इतना डिटेल काम और सब कुछ सिलेक्ट करना, और परिवार की जो दृष्टि थी उसमें वो भी थी. उन्होंने जिस तरह से जगह का इस्तेमाल किया है बहुत अच्छा है. मैं कल भी देख रही थी जब हमारा जब आप भोग के बाद सबसे बात कर रहे थे अलग अलग सेंटर से, तो मैं देख रही थी बॉस्टन को भी. राम प्रकाश भाई को भी इनवाइट कर रहे हैं, तो हम फिर कभी कंटिन्यू करेंगे वेंसडे को. ओके, ओम शांति. थैंक यू. डियर ब्रदर राम प्रकाश or Ramu and our history is a very long one. I've known hamara itihas bahut piche jata hai. Main India mein jab se pehli baar gayi thi 1976 mein, to main unse January 1977 mein mili thi aur wo mera panda bane the, mujhe dikhaya sab jagah. Aur mujhe pata hai जब उन बाबा ने उन्हें परमिशन दी थी US जाने के लिए. तो आज दिन है जो हम याद करते, हर एक की यादगार में ये दिन आता है. क्योंकि जैसे विश्व परिवर्तन हुआ उस समय कई तरह के रीति से,
आपको बहुत बहुत बधाई. आपका मैसेज और आपका चेहरा दिखाई दे रहा है टाइम स्क्वायर में हर घंटे. किसी ने मुझे भेजा, मैं खुद वहाँ फिजिकली नहीं गया. तो सिस्टर जेना मैंने ये पूरा काम किया है. बहुत अच्छा कि बाबा का एक बच्चे का चेहरा वहाँ आ रहा है टाइम स्क्वायर में. आपको कैसा फील हो रहा है? माई विश बी गुड, डू गुड. मेरी कामना अच्छे बनो, अच्छा करो. सिस्टर जेना ने मुझे कहा कि मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ, मुझे बताएंगे नहीं. तो उन्होंने एप्लीकेशन डाला तो उन्होंने रिफ्यूज किया. तो उन्होंने देखा तो ये फेमस पर्सन है, तो मैंने कहा वो कब आइडिया आया उनको. तो फिर मुझे उनको ईमेल लिखना पड़ा कि मैं कोई फेमस पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ. और फिर उन्होंने वापस से परमिशन दी वो करने के लिए. वास्तव में मुझे क्या अनुभव हो रहा है कि जो दादी जानकी का जो एक विजन था, मैं उनके साथ रहता था. तो मेरी जो पालना है वो दादी जानकी और मोहिनी दीदी के बीच में, मैंने उन दोनों के बीच में देखा है कि बैलेंस बहुत रहा है. एक में बहुत उमंग उत्साह और एक में प्रैक्टिकल है. तो मैंने जो देखा है ये मेरे मन में पीछे यही है. मुझे पता है कि ये सब चीजें होने वाली है, ये आज नहीं तो कल होने वाला है. तो आपका इमीडिएट प्रेडिक्शन क्या है, आगे भविष्य में क्या होने वाला है? मुझे ऐसा अनुभव, मुझे ऐसा फील होता है कि एक तरफ बहुत झमेला है, लेकिन हम अपने जीवन में भी देखते हैं हम अपने बेस्ट में हैं. जब हम क्राइसिस में जाते हैं, जब हम उलझन में होते हैं, जब हम फेलियर मोड में होते हैं, अब हम बेस्ट होते हैं. भले दिखता है कि हम फेल हो रहे हैं, लेकिन बहुत गहराई में अगर देखे तो एक्चुअली मैं अपने आप को धरती पर सेट कर रहा हूँ कि मैं इससे नीचे और नहीं जा सकता हूँ. तो अपने आप को सेट करते हैं और इसके बाद फिर सोचते कि और क्या अच्छा हो सकता है. तो मैं अगर ट्रैवल भी करता हूँ बहुत जगह पर, तो ये संकल्प आता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ. फिर अचानक से कोई सफलता इमर्ज होती है, तो फिर वो मुझे फिर से उमंग उत्साह में लेकर आती है. तो हम हमेशा मिरेकल्स में बिलीव करते हैं कि कुछ जादू हो जाएगा, लेकिन मैं इनको मिनी मिरेकल्स बोलता हूँ. छोटे छोटे जैसे मैजिक हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी मुझे फील होता है कि ये केस सिर्फ फेक मैजिक नहीं है, लेकिन ये जैसे प्रैक्टिकल मैजिक है कि उसमें कोई विधि है जैसे उसके पीछे, कि आप बस करते रहो करते रहो करते रहो और अपने आप को लो रखो, जैसे ऊपर जैसे जाते. कभी कभी मुझे लगता है मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वास्तव में मुझे आश्चर्य नहीं हुआ. और यही मेरी फीलिंग्स है. जैसे जेना बहन ने सोचा, कैसे उन्होंने वर्कआउट किया, मुझे कोई आइडिया नहीं है. अब मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता है, ये जो 7 billion acts of goodness का प्रोजेक्ट है, अभी वो प्रेसिडेंट के हाथ में गया. सिस्टर सुजेना ने प्रेसिडेंट के हाथ में दिया. तो मुझे यही लगता है कि 9/11 ये जो बात है लोगों के लिए उलझन था या झमेला था, लेकिन मेरे लिए तो वो एक सिल्वर लाइनिंग हो गई मेरे जीवन में. तो मैंने इतना कुछ सीखा उस सीन से, जब से वो हुआ है मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. मुझे याद है उस दिन मैं मधुबन गया था, तो जयंती बहन वहाँ थे, तो उन्होंने स्टेज पर आकर कहा मुझे शेयर करो. और उस समय मुझे फील हुआ
क्योंकि मैं मर सकता था वहां पर, लेकिन 5 मिनट की बात थी. लेकिन जब मैं बिल्डिंग से बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा मुझे वापस जाना है, क्योंकि एक बहुत हैवी लेडी थी और वो नीचे बैठ के रो रही थी, पर वो बहुत थक चुकी थी, उठकर वो जा भी नहीं सकती थी. मुझे जाकर उसको हाथ पकड़कर लाना था, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने जाने नहीं दिया, आप बस आके. तो आप देख सकते कि अगर मैं जाता तो मैं भी चला जाता. तो मुझे लगा कि जैसे अगर मैं देखूं मेरी जीवन खत्म, और अभी जो भी जीवन मुझे दिया गया है, ये मुझे दिया गया है अपने लिए नहीं, लेकिन विश्व कल्याण सेवा के लिए, तो फिर भगवान भी जस्टिफाई कर सकता है कि मैं क्यों जिया उस समय. ऐसा नहीं कि भगवान ने मुझे प्रोटेक्ट किया, तो फिर बाकी के बच्चों को क्या. मुझे वो नहीं कहना है कि बाबा ने मुझे सेव किया, और मुझे ये भी नहीं कहना है कि मेरे अच्छे कर्म थे इसलिए मुझे. तो इसका मतलब मेरे फ्रेंड्स जो थे जो मर गए वो बैड कर्म कर रहे थे. तो ये मैं जस्ट ये बहाने या ये ज्ञान की तर्क में नहीं दे सकता था कि मेरी जीवन अब बस दूसरों के लिए है. तो बाबा तर्क देगा कि इसलिए बचा, इसलिए ये बचा, क्योंकि हमने आपका आपकी स्टोरी सुनी है, कहानी सुनी है. एक बात ये थी कि आपको डर नहीं लगा, और शायद इस मुझे लगता है क्योंकि क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो रहम, और रहम जो है वो डर के आगे जीत, जैसे बोलते ऐसे जीत दिया उसने डर को. जैसे आपने उस लेडी के लिए बताया कि वो आगे नहीं जा पाई थी, कि आपको इतना रहम आया कि आपको करुणा भाव में आपको डरना भूल गया, लेकिन आगे जाने के लिए रेडी थे. और ये बातें मेरे लिए बहुत स्वाभाविक है. उस समय ऐसा नहीं कि आप एनालाइज कर सकते हैं, या उस समय आप हिम्मत को जुटाने की कोशिश करते हैं, वो तो बस अंदर से फीलिंग आती है, और बहुत समय का कोशिश शायद वो आपका स्वभाव बन जाता है, वो इमेज होता है. मुझे याद है कि आप एक उस एक्सप्लोजन में थे. 1987 में ब्रिजपोर्ट न्यूयॉर्क में काम करते थे, और कनेक्टिकट के बीच में तीन स्टोरी की बिल्डिंग थी. 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम कर रहे थे, तो वहां पर एक्सप्लोजन हुआ था, और उस दिन मैं मधुबन जा रहा था बहुत ग्रुप के साथ 40, और मैंने हाफ डे ऑफ लिया, और मैं बस 10 मिनट ही बाहर था, और मैंने सुना कि वहां पर बेसमेंट में एक्सप्लोजन हुआ. मैं बेसमेंट में भी हो सकता था उस दिन, क्योंकि मैं वो प्रोग्राम जो डेवलप कर रहा था, तो मैं सब जगह मैं जाता था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, तो मैं वहां भी हो सकता था, लेकिन 10 मिनट पहले मैं बस बाहर आया. मैं दीदी को पूछ रही थी पहले, तो अच्छा है कि शरीर नहीं छोड़ा, लेकिन आप एडवांस पार्टी में चले जाते, आप वैसे भी बिजी रहते हैं. लेकिन जब आप बोलते हैं कि आप अपना शरीर छोड़ सकते, तो मैं कभी कभी रियलाइज करता हूँ कि क्या हो सकता था, कि हाँ हो सकता था कि मैं लिविंग रूम में कहीं पर मेरे पिक्चर डालते, और फिर मेरा गार्लैंड होता मेरे पिक्चर पे, और फिर बोलते राम इतना अच्छा फरिश्ता था लेकिन मर गया. So I would have been a dead angel, बोल रहे, dead फरिश्ता. लेकिन मैं नहीं मरा,
और इसीलिए मैं लिविंग एंजल बन सकता हूँ. तो इसलिए सिंपलीफाई जो साधारण रूप से लोगों को समझ में आए, तो फरिश्ता क्या है? ये फरिश्ता जो प्रैक्टिकल में देखे, तो इंजीनियर है, इसलिए कैसे विधि से आप ए से बी सी जाते हैं, ऐसे में फरिश्ता जहाँ समय पर जरूरत होती है वहां वो पहुंच जाते हैं, वो बिना कारण के हेल्प करते हैं, वो अपने आप को रिवील नहीं करते और वो डिसअपियर हो जाते हैं और उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए. और फिर लोग उनकी यादगार बनाते हैं और उनको बहुत ऊंची स्थिति में भेजते हैं कि हम यहाँ पर खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच. ओम शांति. Om Shanti, Ram Prakash Bhai. Didi would like you to sing two lines of song. And also, Vikti Parivar, we would like to sit 2-3 minutes in silence to give all the souls. So, Didi chahte ki Ram Prakash Bhai koi geet gaaye aur 2-3 minute hum abhi silence mein baithenge. 2-3 minute hum bas silence mein baithenge. Aur phir Ram Prakash Bhai, aap uske baad 2 line agar geet ke gaayenge to bahut acha hoga. Om Shanti. सुन तेरे प्यार में दिल भर गया, मैं यहाँ जी तेजी मर गया. जिंदगी देने वाले सुन, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं. याद तेरी बिना पल भी मंगता नहीं. आंखों में प्यार है, दिल में दिल प्यार है, तुझी हर बात में जैसे जादू कोई कर गया. जिंदगी देने वाले सुन, माया रावण ने सबकी खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली. गोद तेरी मिली, दिल को राहत मिली, आत्मा उड़ चली, पंखों में बल खुशी का भर दिया. जिंदगी देने वाले सुन, तेरे प्यार में दिल भर गया, मैं यहाँ जी तेजी मर गया. जिंदगी देने वाले सुन. Prakash Bhai ji and Didi Vadiben, thank you so much. So it was nice to have you, Ram Prakash Bhai. You are really an angel for all of us. And yeah, you are with us
You are not in the picture, you are with us. So, and we are happy to hear your inspiration to stories and everything. Okay, and tomorrow is Tuesday, and our schedule from Amritvela to 30 a.m. to 4:45 a.m. ये कल का स्केड्यूल है मंगलवार का मेडिटेशन फॉलोड बाय हिंदी सीरीज मेडिटेशन इंग्लिश सीरीज एंड अव्यक्त जर्नी सो नाउ लेट्स डू अव्यक्त मुरलीज पर अभी हम अव्यक्त मुरली करेंगे वेलकम टू अव्यक्त जर्नी अव्यक्त मुरलीज फ्रॉम 1969 स्पीकिंग टू द हार्ट ऑफ एन एंजल अव्यक्त मुरली Om Shanti. This is the Avyakt Murli of the 27th of July, 1971. Om Shanti. Ye Avyakt Murli, 27th July, 1971. Murli ka saar, buddhi rupi netra, clear or powerful banao. Aaj bhatti ki padhai ka paper, लिखत में दिया फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा ये जानते हो प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको जानते हो किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे कल तो पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है वह स्मृति आती है हाँ जब यह स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे यह स्मृति नहीं आती है माया सामना तो करेंगी लेकिन किस किस रूपों में करेंगी यह भी जानते हो कि नहीं मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ जाता है जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना जैसे कि तूफान व बारिश का आना व धरती का हिलना आदि पहले से ही जान लेते हैं तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे क्लियर बनाते जाएंगे उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही ये महसूसता आएंगी कि आज कोई पेपर होने वाला है और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला तो पहले से ही तैयारी करने के कारण विजयी बन सकते हैं और अचानक आक्रमण विजयी नहीं बन सकता यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कल की बात है और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते से तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण व
वह इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है व स्थिति है तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते हो? और जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएंगी तो कभी भी हार नहीं होंगी, सदा विजयी होंगे। जैसे नेत्र ठीक न होने के कारण व सीआईडी की चेकिंग ठीक न होने के कारण कभी गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है, इस रीति से सदैव अपने बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है। सीआईडी का और क्या अर्थ है? चेकिंग ही सीआईडी है। चेकिंग रूपी सीआईडी होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।